सोनिया बंसल बिग बॉस के घर से एविक्ट हो गई है और एविक्शन के बाद सोनिया ने मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू दिया। अपने एविक्शन पे सोनिया ने क्या रिएक्ट किया, घर वालों पे क्या रिएक्ट किया, किसका गेम उन्हें स्ट्रांग लग रहा है, किसका वीक, कौन फेक है, कौन विनर मटेरियल है, क्या सब कहा सोनिया ने, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें कि इस हफ्ते नॉमिनेशन की लिस्ट में टोटल 6 कंटेस्टेंट थे, जिसमें से नील, ऐश्वर्या और टहलका एज अ पब्लिक वोट के आधार पर सेफ थे और खानजादी को भी अच्छे खासे वोट मिले थे, इसलिए वो भी सेफ थी। लेकिन लास्ट में सोनिया और सना थे। लेकिन बिग बॉस ने इसमें बहुत ही शातिर दिमाग के साथ एक गेम खेला, दोनों को घर वालों के वोट के आधार पर छोड़ दिया। यानी कि सलमान खान ने दोनों को कहा कि कंटेस्टेंट उन्हें वोट देंगे और कंटेस्टेंट के हिसाब से जो घर में रहने का लायक होगा, मतलब जिसका योगदान ज़्यादा होगा वो सेफ माना जाएगा और जो नहीं कंट्रीब्यूशन किया रहेगा उन्हें कंटेस्टेंट वोट आउट कर देंगे। तो आपको बता दें कि ज़्यादातर वोट सना को मिला और सना सेफ हो गई और सोनिया एविक्ट हो गई। सोनिया ने घर से एविक्ट होते ही मीडिया को अपना पहला इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में सबसे पहले सोनिया ने अपने एविक्शन पर नाराज़गी जताई। सोनिया कहती है कि अगर घर वालों के वोट पे आधार पे ही अगर एविक्शन होना था तो नॉमिनेशन की प्रतिक्रिया क्यों हुई, पहले ही घर वालों से पूछ लिया जाता कि कौन घर में रहना डिजर्व नहीं करता, उन्हें बाहर निकाल दिया जाता। साथ ही सोनिया ये कहती है कि वोट के आधार पे वो एविक्ट नहीं हुई है, क्योंकि सोनिया कहती है उन्हें पता है कि उनसे भी कम वोट मिले हैं लोगों को और वो अभी भी घर में है। तो सोनिया इस बात से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, उनके फैंस से नाराज़ नहीं है। सोनिया कहती है कि मैं खुश हूँ, मुझे खुशी है कि मुझे मेरे फैंस ने वोट आउट नहीं किया, क्योंकि फैंस के वोट के आधार पर सोनिया सेफ थी और खतरे में सना थी। और सोनिया से पूछा गया कि बिग बॉस के घर में किसका गेम सबसे फेक है, तो सोनिया कहती है कि अगर इस वक्त बिग बॉस के घर में सबसे फेक गेम किसी का है तो वो है मनारा, क्योंकि मनारा जो है वो ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, वो अच्छी बनने की ढोंग कर रही है, वो अच्छी है नहीं, वो अभी जो है धीरे धीरे गेम समझ रही है। साथ ही सोनिया का कहना है कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं वो भेड़ चाल में खेल रहे हैं, एज अ ग्रुप में खेल रहे हैं, हर लोग अपने अपने झुंड बनाकर खेल रहे हैं। सोनिया से पूछा गया कि कौन है वो कंटेस्टेंट जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शो में, सबके साथ उनका मिला रहता है, सबके साथ वो अपना इक्वल रिलेशन बना के रखे, तो सोनिया कहती है कि अगर ऐसा कोई है शो में तो वो मुनव्वर है और शो जीतने के चांसेस भी मुनव्वर के ही है। साथ ही सोनिया से कपल्स के बारे में पूछा गया तो सोनिया कहती है कि कपल्स के तौर पे ऐश्वर्या और नील जो है उनकी बॉन्डिंग बहुत ही क्यूट है, प्यारी सी है, लेकिन उनमें एक कमी है, वो जल्दी बाकियों के साथ नहीं घुल मिल पाते हैं। और अंकिता और विक्की जो है उनके रिलेशनशिप में खटपट ज़रूर हो रहा है, उनके बीच में मनमुटाव जरूर हो रहा है, लेकिन विक्की जो है वो सबसे मिलाकर रखने की कोशिश करता है। साथ ही सोनिया से ये पूछा गया कि घर में सबसे मास्टरमाइंड कौन है, कौन गेम खेल रहा है, तो सोनिया कहती है कि विक्की है घर के मास्टरमाइंड, विक्की घर चला रहे हैं, विक्की जो है सबके साथ मिलकर बात करते हैं, सबके साथ डिस्कशन करते हैं और सबकी टॉपिक आकर एक एक करके सभी को, मतलब खास करके उनके ग्रुप में ईशा हो गई, अंकिता हो गई, सबको बताते रहते हैं। साथ ही सोनिया से पूछा गया कि अभिषेक और ईशा के बारे में उनका क्या है कहना, अभिषेक और ईशा में कौन फेक है कौन रियल है, जिस पर सोनिया कहती है कि उनके हिसाब से ईशा फेक है। हाँ, अभिषेक में गुस्सा ज़्यादा आ जाता है अभिषेक को, वो बात बात पे एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन ईशा ने जो स्टेज पे कुछ और कहा और घर पे आके उन्होंने रंग बदला, उस हिसाब से उनके हिसाब से ईशा फेक है। सोनिया से पूछा गया कि सोनिया अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री करना चाहेगी तो क्या वो करेगी, तो सोनिया कहती है कि अगर उन्हें इन फ्यूचर अगर ऐसा मौका मिलता है शो में दोबारा एंट्री करने का तो वो डेफिनेटली शो में एंट्री करेगी और अपने अलग ओपिनियन, अलग गेम, अलग स्टाइल के साथ। आपको बता दें कि सोनिया ये भी कहती है कि सोनिया पहले से प्रिपेयर नहीं थी शो को लेकर, उन्हें एन मोमेंट पर कॉल आया था, तकरीबन शो स्टार्ट होने से एक दिन पहले सुबह के 5 बजे उन्हें कॉल आया था और वो तब अपना पैकिंग करके शो में आई है। तो सोनिया कहती है कि मैं बाकियों के हिसाब से अपना माइंड सेट भी करके नहीं आई थी, इसलिए उन्हें थोड़ा वक्त लगा सबके साथ घुलने मिलने में, लेकिन जब तक वो घुली मिली तब तक कंटेस्टेंट ने उन्हें धोखा देकर बाहर निकाल दिया। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं सोनिया के लिए, सोनिया का एविक्शन आपको कितना फेयर लगा, कितना अनफेयर, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। बिग बॉस सीजन 17 के हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो